हेलो हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग? होप सो कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर से वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज उस सेशन को आगे बढ़ाने जा रहे हैं हम, जहां पे हमने बात की थी लास्ट टाइम पे वोल्टेज, करंट, फ्रीक्वेंसी, बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात की थी। तो आज मैं नया सेशन शुरू करने से पहले एक बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ। आज की डेट में देश की जो कंडीशन है, कोई भी देश आगे तभी बढ़ता है जब वहाँ पे प्रोफेशनल लोग होते हैं। और प्रोफेशनल लोग कब होते हैं? जब इंसान अपने प्रोफेशन में काम करता है। लेकिन आज की डेट में ये है कि जो हम पढ़ाई कर रहे हैं उससे हम डाइवर्ट हो जा रहे हैं, हम कहीं भी घुस जा रहे हैं सिर्फ पैसा कमाने के लिए, अपने परिवार को पालने के लिए। लेकिन अच्छी बात है, अपने परिवार को पालना, पैसे कमाना एक जिम्मेदार इंसान को यही करना चाहिए। लेकिन हम किसी प्रोफेशन में जाते हैं तो ना, जब हम अनप्रोफेशनल बन के उस प्रोफेशन में काम करते हैं और जिस चीज़ के बारे में हमें जानकारी नहीं है, हम उस फील्ड में जा रहे हैं, तो उससे क्या करते हैं, वहाँ का माहौल गंदा करते हैं, वहाँ गंद मचाते हैं, जिससे क्या होता है कि एक अच्छी डायरेक्शन में जाने वाले लोग भी भ्रमित हो जाते हैं और उनको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है। आजकल हर क्षेत्र में यही हो रहा है, चाहे वो एजुकेशन का क्षेत्र हो, मेडिकल का क्षेत्र हो, या स्पोर्ट्स का क्षेत्र हो, मैनेजर की पोस्ट पर आ रहे हैं या स्टेट मैनेजर की पोस्ट पर आ रहे हैं। तो बेसिकली हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि हम वहाँ पर इलेक्ट्रो मैकेनिकल सर्विसेज भी दे रहे हैं और उस प्रमाइसिस को हम मेंटेन कर रहे हैं, तो हमें सारी नॉलेज होनी चाहिए। तो बेसिकली मैं जब भी इंटरव्यू में लोग आते हैं तो बेसिक चीज़ें पूछता हूँ। जब भी कुछ चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है लोगों के दिमाग में, जब भी हम टाइप्स ऑफ पावर की बात करते हैं तो वो टाइप्स ऑफ लोड बताने लगते हैं, टाइप्स ऑफ लोड की बात करते हैं तो करंट के बारे में बताने लगते हैं, तो मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो आज मैं ये चीज़ें आपकी क्लियर कर देता हूँ। जब भी हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पावर, पावर की जब भी बात करते हैं, पावर यानी कि पावर का जो बेसिक फॉर्मूला होता है आपने पढ़ा होगा, पी इक्वल टू वी आई इंटू कॉस फाई। ये पावर है, एक्टिव पावर बोलते हैं इसे, जो हमारे घरों में आती है एक्टिव पावर आती है हमेशा। तो पावर में हमेशा वोल्टेज और करंट इंक्लूड रहता है, प्लस कॉस फाई हम ले लेते हैं, अकॉर्डिंगली कॉस फाई भी हम मेंटेन करते हैं, ये पावर फैक्टर होता है। तो जब भी हम पावर की बात करते हैं तो पावर हमारे दिमाग में ये आना चाहिए, पी इक्वल टू वी आई कॉस फाई। लेकिन हम बात करते हैं इधर उधर की, उस टाइम पर हम पूछते हैं कुछ और लोग बताते हैं कुछ और, तो चीज़ें क्लियर नहीं होती है। जब भी मैं टाइप्स ऑफ पावर की बात करता हूँ तो लोग लोड के बारे में बताने लगते हैं, तो हमें डिफरेंस समझ में आना चाहिए। पावर की बात करेंगे तो पावर के बारे में बताइए, लोड के बारे में बात करेंगे तो लोड के बारे में बताइए। पावर की बात करेंगे तो तीन तरह की पावर होती हैं। सबसे पहली पावर होती है एक्टिव पावर, दूसरी होती है हमारी रिएक्टिव पावर, तीसरी होती है हमारी अपारेंट पावर। तो ये तीन तरह की पावर होती है। सबसे पहली पावर होती है एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर और अपारेंट पावर। तो क्लियर है, पावर होती है तीन तरह की, लोड बिल्कुल डिफरेंट चीजें हैं। और अगर हम टाइप्स ऑफ लोड की बात करेंगे तो किसी भी सोसाइटी में और किसी भी कॉमर्शियल में, चाहे होटल इंडस्ट्री हो, चाहे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो, चाहे आईटी सेक्टर हो, कुछ भी हो, लोड हमेशा तीन पावर होती है, उसी तरह से तीन लोड होते हैं। लोड की बात करेंगे तो लोड यानी कि एम्पियर करंट, कहते हैं ना कितना लोड चल रहा है इस सोसाइटी में, कितना करंट, कितना एम्पियर लोड चल रहा है, 100 एम्पियर, 1000 एम्पियर, जो भी है इसके अकॉर्डिंग, रेटिंग के अकॉर्डिंग, तो हमेशा लोड की बात होती है एम्पियर में। ठीक है, लोड की जब भी बात करेंगे हम, लोड भी तीन तरह के लोड होते हैं, तीन तरह के लोड होते हैं। पहला लोड है आपका इंडक्टिव लोड, दूसरा जो आपका लोड है कैपेसिटिव लोड, तीसरा जो लोड है आपका रेजिस्टिव लोड। क्लियर हो गया? लोड की अगर बात करेंगे तो ये तीन तरह के लोड हैं, कभी भी पावर के साथ इन चीजों को इंक्लूड मत कीजिएगा, बहुत सारे लोग कंफ्यूज करते हैं। तो लोड हैं ये तीन तरह के। अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ करंट। जब भी मैं लोड की बात करता हूं तो लोग करंट बताने लगते हैं, उसमें हमें बोलते हैं कि लोड की बात की तो करंट बताने लग गए, करंट एसी एंड डीसी। करंट डिफरेंट चीज़ है, लोड डिफरेंट चीज़ है। एसी करंट, टाइप्स ऑफ करंट, अगर मैं वेव फॉर्म की बात करूंगा ना तभी आप बताएंगे कि एसी और डीसी करंट होती है, एसी साइनोसोडियल, डीसी स्ट्रेट। तो ये चीज़ें क्लियर होगी, करंट एसी और डीसी, टाइप्स ऑफ नेचर वेव फॉर्म में इस तरह से। वोल्टेज की बात करूंगा, वोल्टेज दो प्रकार के, सिंगल फेज एंड थ्री फेज। सिंगल फेज में फेज और न्यूट्रल, और
फेस टू फेस जो आएगी आपकी आर एंड वाई, वाई एंड बी, बी और आर, इस तरह से वोल्टेज होती है। और वोल्टेज टाइप्स ऑफ वोल्टेज एसी और डीसी भी होती है। एसी में जो हमारे घर में आती है 220, 440, डीसी 12 वोल्ट, 24 वोल्ट। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं, बेसिक चीज़ें हैं। तो अगर ये बेसिक चीज़ें ही आपको पता नहीं है और हम एक अच्छी पोस्ट पे बैठे हैं तो बड़ी शर्म की बात है, हमें सीख लेना चाहिए अब। तो इससे हम ना बहुत नुकसान कर रहे हैं, आने वाले जो अच्छे बच्चे हैं उनका भी नुकसान कर रहे हैं और देश का भी नुकसान कर रहे हैं, और उस जगह से हिलने का नाम भी नहीं लेते हैं और चीज़ें हमें पता भी नहीं होती हैं। तो ये कहते हैं ना कि चेहरे ही मुखौटे हैं, मुखौटे ही चेहरे हैं, और यही सब कुछ हो रहा है दोस्तों हमारे साथ आज की डेट में। तो अगर हमें आगे बढ़ना है तो सबसे पहले हमें अपने प्रोफेशन को समझना पड़ेगा और किस प्रोफेशन में हम बैठे हैं उसके हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। और आगे हम बढ़ेंगे तो एक अच्छा, एक जितना भी मास आएगा उसको भी सही गाइड करेंगे, सही टीच करेंगे। तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी। ये छोटे से कॉन्सेप्ट मैंने आज, पावर, पावर तीन तरह की होती है, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे हम, जिसमें मैंने बता दिया एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर और रेजिस्टिव पावर। इन तीनों पावरों को डिफ्रेंशिएट करेंगे, मैं इन तीनों चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।